हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग किसी फ़ोन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे जेरोक्स मशीन की। हाँ गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं जेरोक्स मशीन की। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जेरोक्स मशीन में क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे जेरोक्स मशीन काम करता है, इसके अंदर में क्या क्या सामान होता है। हाँ गाइस, हम लोग इसी के बारे में लोग बात करेंगे। तो चलिए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे जेरोक्स एक जेरोक्स कॉपी कैसे निकाला जाता है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हरीश केसरी और आप देख रहे हैं केसरी टेक। तो गाइस ये चेक करो, ये है मेरा जेरोक्स मशीन जो कि मेरा रोजी रोटी है और हम इसी से जेरोक्स करते हैं और मेरा घर इसी से चलता है गाइस। तो आओ आज हम तुम लोगों को दिखाते हैं कि कैसे जेरोक्स होता है, कैसे क्या होता है, कैसे मशीन में क्या क्या है। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये आता है ऊपर, ये है इसका स्कैनर, यहीं पर कॉपी रखा जाता है और यहीं से जो है कॉपी स्कैन होता है। इसके बाद में है गाइस ये इसका ऊपर वाला ड्रॉर जो कि यहाँ से भी आप कॉपी डाल के, ये यहाँ से आप कॉपी डाल के उसको आराम से स्कैन इधर से निकलेगा। वो ऊपर से कॉपी डालेंगे तो यहाँ से वो कॉपी प्रिंट होके निकलता है, ठीक है। इसमें हालांकि जल्दी प्रिंट हो जाता है। और ये है उसका डिस्प्ले जो कि अभी बंद है, हम आपको थोड़ी देर में चालू करके दिखा देंगे। और भाई जो कॉपी जो निकलता है प्रिंट होकर के, वो देखो यहाँ से निकलता है, ये वाले यहाँ से निकलता है। अगर दोनों साइड होगा तो एक ऊपर से आएगा एक नीचे से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये टोनर डाला जाता है, ये है काटे जिसका, जिसको हम लोग इंक बोलते हैं। ये भाई इसमें ये डब्बा पे इंक डालते हैं हम लोग। देख लो ये एक डब्बा है, इसी के अंदर इंक डाला जाता है। एक मिनट रुको, इसको रखने दो। उसके जरा सा खोल दिए थे ना तो खुल जाता है पूरा। तो अब हम लोग लगा रहे हैं इसको, एक ये लॉक सिस्टम है इसका, ऐसे करेंगे तो ये बाहर आएगा और इसको ऐसे लगा देंगे तो ये पूरा लॉक हो जाता है। फिर ये इसका ढक्कन है, ये ढक्कन अगर नहीं लगी है तो यहाँ पे रेड सिंबल जलता है भाई। और ये यहाँ पे इसका कॉपी का रखने के लिए ट्रे रखा जाता है जो कि हम लोग यहाँ पे पेज रखते हैं। और ये ऐसे बंद होता है जो कि मेरा अभी ख़राब हो चुका है, ये इसको बनवाना होगा। और ये यहाँ पे इसका दूसरा नंबर ट्रे आता है, ये यहाँ पर भी आप A4 R जेरोक्स कर सकते हैं इसे, और ऊपर वाले से A4 मतलब ये, और इसी को लंबा कर दे तो A4 R बन जाता है, ठीक है। और तीसरा नंबर का जो ट्रे है इसमें आप A3 वगैरह बड़ा जो पेज रहता है इसमें, बड़ा जो पेज रहता है इसमें जेरोक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें चार कैसेट रहता है, ये वाला भी एक कैसेट ये जो कि गंदा हो चुका है, इसमें टोटल चार कैसेट आता है, ठीक है। और आ जाते हैं उसका बैक साइड। तो ये है, ये यहाँ से भी आप जेरोक्स कर सकते हैं, मतलब कि बड़ा वाला पेज जो कि A3 वगैरह जो बड़ा वाला पेज जो आता है वो यहाँ भी जेरोक्स हो जाता है आराम से। अभी हम थोड़ी देर में तो आपको चालू करके दिखा देंगे पूरा फंक्शन इसका। ये इसका सामान सब देख लो भाई, ये खुला डोर, ये है देखो, ये चीज़ इसका मेन चीज़ होता है। और दिखाते हैं देखो, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्सिंग, इसके अंदर में देखो, इसके अंदर में एक फिल्म होता है, इसके अंदर रोलर होता है जो कि कॉपी यहीं से, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से इस वाले ट्रे से अगर पेपर डालेंगे तो ये कॉपी यहाँ से होकर के इस सबसे पहले इसमें जाएगा, फिर यहाँ से होकर के इसमें जाता है, फिर इसके बाद प्रिंट निकलता है। तो ये इसका मेन चीज़ है, इसी के अंदर सब कुछ रहता है, मतलब कि रोलर हो गया, फिल्म हो गया और चार्जर हो गया। तो और ये इसका जो है ये ड्रम इसका मेन पार्ट होता है भाई, इसी से प्रिंट होता है। यहाँ पर जो ये चीज़ है इसी से कॉपी प्रिंट होता है, जो भी लिखा हुआ रहता है इसी में छपता है, ठीक है। और पीछे के साइड उसका स्कैनर है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस, ठीक है। और ये यहाँ से भी पेपर वगैरह यहाँ से टानता है, यहाँ से इससे टानेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से आने के बाद इसमें जाएगा, इस वाले में जाता है, इस वाले के बाद ऊपर में जाता है। सब में एक सेंसर होता है, अगर कोई भी सेंसर अगर जाम हो जाता है तो फिर वो यहाँ पे रेड सिग्नल तुमको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा डर रेड सिग्नल से ही लगता है, एक बार में बहुत मोटा खर्च आता है इसमें। मिस्त्री आया तो उसका कम से कम 1000 रुपये चार्ज होता है भाई, बहुत। और बहुत उन लोगों को घमंड भी होता है भाई, थोड़ा सा कुछ बोल दो तो तुरंत नाराज़ होता है, जाइए करवा लीजिए किसी और से, इससे उससे, तो बहुत संभाल के इसको चलाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फैन है जो कि मशीन को ठंडा रखता है,
ठीक है, ये देखो फैन बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर कुछ भी मशीन में खराब होता है तो यहाँ पे आपको रेड सिंबल जलता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में मशीन ऑन करके दिखलाएंगे कि कैसे होता है ऑन और कैसे प्रिंट निकाला जाता है, कैसे स्कैनिंग होता है। इसमें कलर जेरोक्स नहीं होता है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स होगा और इसमें A3 साइज का जेरोक्स होता है। ठीक है, और ये जो मॉडल है ये 3570 मॉडल है, कैनन का ये मशीन है। देख लो यहाँ पे कैनन भी लिखा हो रहेगा, यहाँ पे लोगो था जो कि हम खुरपाती दिमाग लगा कि वो खाड़ दिए अपना। ये है 3570 जेरोक्स मशीन है जो कि फास्ट है। ठीक है, आप कभी भी लेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा स्लो, अगर ज़्यादा फास्ट लीजिएगा तो ज़्यादा हीट होगा आपका फिक्सिंग, ज़्यादा हीट होने के बाद थोड़ा सा कॉपी ज़्यादा फंसता है। अगर थोड़ा स्लो मशीन लेंगे उसमें कॉपी कम निकलेगा और आराम से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ये है थोड़ा 3570 और एक आता है 2270 ऐसा कुछ बोल करके, इससे थोड़ा कम रेंज वाला। इसके फिर आगे और अभी ज़्यादा एडवांस मशीन हो चुका है जो कि हमारे पास अभी नहीं है, फिलहाल मेरे पास अभी यही है, इसी को हम किसी तरह चला रहे हैं। तो अभी आप लोगों को ऑन करके दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोगों का मशीन ऑन हो चुका है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि प्रिंट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमको इसमें पेपर लगाना होगा इस साइड वाला में, तो चलिए पहले पेपर लगा लेते हैं। ये रहा हमारा पेपर जो है A4 का, अभी कैसे इसमें डालेंगे, नॉर्मली डालते हैं कैसे, अभी कैसे डालते फिर हटाना पड़ेगा सारा कुछ। तो भाई इसको इसको उठाएंगे, फिर यहाँ पर हम लोग इस टाइप से पेपर लगा देंगे। ये पेपर लग चुका है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन अपने आएगा, यहाँ पे A4 का ऑप्शन आ रहा है, नीचे A4R जो लंबा आपको बताया था उसके नीचे A3 है, फिर A5R है, B4 है, B5 6 B5 है, फिर B5R है। तो हम लोग A4 में रखे हैं तो इसलिए A4 को डन कर लेते हैं। तो देखिए कैसे स्कैनिंग होता है, आप लोग दिखाते हैं कैसे स्कैनिंग होता है। ठीक है, ये है पूरा मशीन कवर, ये पूरा उड़ जाता है। देखो अभी हम जैसे यहाँ पे इसको प्रिंट निकालेंगे नहीं, खाली आप लोगों को दिखाएंगे कैसे स्कैन होता है। ठीक है, तो देखो गाइस अभी देखना वहाँ पे चले गए, देखो ये देखो A4 का ये गया। ठीक है, और इस साइड से यहाँ से फिर से पेपर निकलेगा यहाँ से। तो फिलहाल आपको पेपर निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलता है। इसको पहले करते हैं यहाँ से कैंसिल, अब लोगों को पेपर निकाल के दिखाते हैं। रुकिए, एक पेपर हमको लाना पड़ेगा, एक वो पेपर है मेरा नीचे गिरा हुआ, चलिए लेके आते हैं इसको और करते हैं पटाख से स्कैन। ये मिल गया आप लोगों को पेपर, भाई यही पेपर है, इसको रखते हैं वहाँ पे इस तरह तरीके से। ढक्कन, ये ढक्कन मेन है भाई। ठीक है, ये ढक्कन अगर बंद नहीं करेंगे तो पूरा ब्लैक कॉपी आ जाएगा। चलो मारते हैं, देखिए यहाँ पे स्टार ऐसे लिखा होगा स्टार, ये स्टॉप, ये फिर नंबर है कुछ, देख लो ये नंबर है। यहाँ पे जितना कॉपी निकालना हो या फिर कोई मतलब कि फंक्शन में इस तरह हो गया तो ये रीसेट का बटन ये पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल हम A4 सेलेक्ट करते हैं और एक कॉपी मारते हैं प्रिंट। ये देखो यहाँ पे स्कैन हो गया, ये अब देखो यहाँ से कॉपी निकल रहा होगा, ये आ गया, देख लो भाई ये रहा हमारा प्रिंट, है ना ज़बरदस्त। थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, देखो ये हमारा प्रिंट है, यही भाई हमारा रोजी रोटी है। इसको हम प्रणाम करते हैं भाई सबसे पहले, बहुत डर लगता है सब चीज़ से। अब देखो जैसे हम बता रहे कि रेड सिंबल जलेगा, देखना यहाँ पर ये ढक्कन वगैरह हम खोलते हैं। देखो ये ढक्कन खुला, देखो खुला ये ढक्कन, अब ये देखो रेड सिंबल जलना शुरू। यही रेड सिंबल से बहुत बड़ा तकलीफ होता है भाई। अब इसको लगाते हैं, देखो करते हैं बंद, ये हो गया भाई बंद। ठीक है, ये देखो फिर से A4 दिखा देते हैं, स्कैन फिर से वर्क करके दिखा देते हैं, हो गया। अब ये देखो कॉपी को कैसे स्कैन करते हैं, फिर क्या वापस, अब ये थ्री में पूरा अगर बड़ा पेज करना है तो पूरा यहाँ तक ही आएगा, यहाँ तक स्कैन होगा पूरा। ठीक है, इसको कह देते हैं कैंसिल, नहीं तो फिर से प्रिंट होकर निकल जाएगा पूरा ब्लैक कॉपी। मेरा अब मशीन करते हैं, फिर देखो यहाँ से ऑफ हो जाता है, यहाँ से ऑफ हो गया, इसको कह देते हैं बंद। ये है मेरा पूरा मशीन, देख लो भाई फिर से एक बार, इसी में हम लोग कहते हैं जेरोक्स। चार ढक्कन है इसका,
तो फाइनली गाइस सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जेरॉक्स मशीन में जेरॉक्स कैसे होता है, कितना ज़्यादा मुश्किल है भाई। एक भी पार्ट अगर ख़राब होता है ना तो इसका बहुत बड़ा झटका लगता है दिल में भाई, क्या ही करें, मजबूरी है, चलाना ही पड़ता है, नहीं चलाएंगे तो करेंगे क्या इसके अलावा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर 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 अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मेरे चैनल में आप लोगों को मिलता रहेगा। और अगर वीडियो ज़्यादा और भी बढ़िया लगा हो तो थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भाई कमेंट करके प्लीज़ हमको बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आगे हमको वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।